चलो भाई, फिर कल क्या पढ़े थे, क्या सीखना हम लोगों को? ट्रायल बैलेंस ना? हाँ जी, चलिए ट्रायल बैलेंस सीख लेते हैं हम लोग। कुछ जनरल इंटे लिखिए आप लोग, क्या लिखेंगे? जनरल इंटे। देखे हम जनरल, तो इंग्लिश में लिखूंगा, हिंदी में? हिंदी में पहला परचेज गुड्स रुपीज 500, दूसरा सोल्ड गुड्स रुपीज 900, तीसरा बॉट फर्नीचर रुपीज 10,000, चौथा सोल्ड फर्नीचर रुपीज 14,000, आगे पांचवा पेड पेजेस पेज 7, पांचों नोट करिएगा तो एक बार। हो गया, इसकी हम एंट्री बनाते हैं, थोड़ा छोटा करते हैं, समझते हैं। पहले अकाउंट भुला गए आप लोग की याद है? याद है भाई? को सेलेक्ट को क्या कर दिया जाएगा? थोड़ा सा बड़ा रखो, थोड़ा सा हो गया यहाँ पे। आप लोगों को मैं कितना अकाउंट बताया था? तीन अकाउंट, तीन अकाउंट बताया था ना। अकाउंट का मतलब क्या होता है यहाँ पे? अकाउंट का मतलब भाई खाता, अकाउंट का मतलब खाता। टैली में तीन खाते, यही ना। पहला कौन सा? पर्सनल अकाउंट। दूसरा कौन सा? नॉमिनल अकाउंट। तीसरा कौन सा? पहले रियल लिख ले रहे हैं, फिर नॉमिनल लिखेंगे ना। पहला कौन, दूसरा रियल अकाउंट, अब तीसरा लिख रहे हैं हम लोग कौन सा? नॉमिनल अकाउंट। तीनों हम बताए थे जो किसी व्यक्ति से जुड़ी हो, नाम कुछ भी हो सकता है, जैसे रोहन, सोहन, मोहन, किसी इंस्टीट्यूशन का नाम, किसी बैंक का नाम। बैंक इंस्टीट्यूशन में आएगा, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? संस्था। क्या बोलते हैं? संस्था।
ठीक है। ए बाबू मैं इधर पढ़ा हूं, उधर कहां देख रहे हो तुम? उसमें क्या दिख रहा है आपको? गधा, इधर देखो, यहां पे देखो। अब रियल कोई नाम है, कोई इंस्टीट्यूशन है, वो सब किस में आएगा? पर्सनल अकाउंट में। और रियल अकाउंट आपका किससे? एसेट से संबंधित रहे। किससे? इसका मतलब असिस्ट मतलब संपत्ति। क्या संपत्ति? जितनी भी आपको फिजिकल चीजें दिख रही हैं या फिर कुछ वर्चुअल, सभी के सभी आपके क्या हैं? असिस्ट है। असिस्ट मतलब संपत्ति। जैसे जमीन, जमीन क्या आपकी? कुर्सी, मेज, टेबल, जितनी भी चीजें आपको आसपास दिखाई दे रही हैं, सब आपकी क्या है? कुछ आपकी हैं, कोई दूसरे के, दूसरे वाला हड़प मत खा जाना सर, वो हमारा है। नॉमिनल अकाउंट क्या होता है? जो चीज हमारी नहीं हो लेकिन वो चीज हमारा कहला जाए, हमारे नाम से जानी जाती हो लेकिन हमारी। ये वो कुछ ही दिन के लिए हमारा रहेगा, कुछ ही दिन के लिए, इसके बाद किसी और का, सही नहीं? ये वो जैसे आप क्या लेते हैं, रूम, किस पर? ये वो रेंट पर। किस पर लेते हैं? रेंट पर। ये बताइए आप रूम रेंट पे लिए, वो रूम आपका है? नहीं है, लेकिन आपने रेंट पे लिया है, आप इसका किराया चुका रहे हैं, मान लीजिए 1500 पर मंथ। आप यहाँ पिछले 10 वर्ष से रह रहे हैं, कितने वर्ष से? ये वो जितना गली मोहल्ला का, अगर मकान मालिक वहां नहीं रहता है, सपोज दैट गली मोहल्ला वाले जान जाएंगे सब आप ही का है यहाँ पे, सही कि नहीं? क्योंकि 10 साल आपने गुजार दिया है, वो बिल्कुल आपके खास होंगे, वही जान पाएंगे, बेचारे रूम पे रहते हैं, नहीं तो बाकी सब जानेंगे इनका घर है। किसी से आप पूछेंगे, आपसे भी कोई पूछेगा तो आप अपना एड्रेस पता कहाँ बताएंगे? जहाँ पे रहते हैं ना, इसीलिए रिज्यूम वगैरह भी बनता है। तो कुछ बनता है टेम्पोरली एड्रेस और एक बनता है कौन सा? परमानेंटली एड्रेस। परमानेंट मतलब अस्थाई पता और टेम्पोरली मतलब अस्थाई पता। जहाँ आप रूम लेके रहते हैं वो अस्थाई पता होता है, अस्थाई। और जो आपका घर द्वार जहाँ होता है, जहाँ के आप निवासी होते हैं, उसको क्या कहते हैं? परमानेंट एड्रेस। तो यहाँ पे आप ले लिए, आप यहाँ रहते हैं, क्या वो आपका है? लेकिन वो किसके नाम से जाना जा रहा है? आपके नाम से। तो ऐसी कोई भी चीज जो आपकी नहीं हो लेकिन किसके नाम से जानी जाए? आपके नाम से। आपका उस पर हक हो, वो क्या रहेगा? नॉमिनल अकाउंट। अब नॉमिनल अकाउंट में जैसे आप ट्रेन का क्या ले लिए बाबू, टिकट कटा लिए, कुछ पैसा दे के आप 600-700 रुपए दे के आपने टिकट बुक करा ली, एक सीट आपकी कंफर्म है, एक सीट आपकी कंफर्म है। आप चले जाए यहां से, आजमगढ़ से कहां जा रहे हैं? AMS, आजमगढ़ टू DLI, कहां जा रहे हैं? दिल्ली। अब आप यहां से आजमगढ़ से कंफर्म कराएं, 4:25 पे कैफिया शुरू होगी। आप यहां से जैसे पहुंचे कि अपने सीट पर बैठेंगे, उस पर गए किसी व्यक्ति को बैठे देखे, आप हटा देंगे कि अपने क्या करेंगे? हटा देंगे। क्या वो ट्रेन आपकी है? लेकिन आप हटा कैसे दिए उसको? आप अगर हटा रहे हैं ना, वो आपसे खड़ा भी हो गया, कैसे हटा रहे हैं आप मुझे? ट्रेन आपकी है, आप तुरंत वहां क्या दिखा देंगे उसको? टिकट, देखिए मेरा टिकट है, सीट मेरी है, आपकी नहीं है, मैंने रिजर्वेशन कराया, कंफर्म मेरी सीट है। देखिए वहां पे अगर वो कहता है नहीं हटूंगा, रुको मैं बुलाता हूँ पुलिस वाले को, पुलिस वाला भी आ जाता है, दूसरी आपको ठहराएगा उसको, उसको
आपने क्या दिया है? पैसा। और पैसा दिया है तो आपकी ये मतलब नहीं कि आपने ट्रेन खरीद लिया है, आपकी सीट बुक हुई है केवल। अब आपकी सीट पर आपके नाम से है, वो तब तक है जब तक कि ये ट्रेन दिल्ली न पहुंच जाए। दिल्ली पहुंच गई, अब आप उसी सीट पर रिटर्निंग में आइए, टिकट ना लिए हो रिटर्निंग का, तुरंत फाइन मार देंगे। अब वो चीज आपकी, तो ऐसी बहुत सी चीजें हैं। अब इसको हम कितनाऊं किराए के मकान को, या इसको हम कहें ट्रेन के डब्बों को पूरा सजा ले धजा ले, मारा है। लेकिन कब तक? चंद समय तक। रूम के किराए को हम कितनाऊं संभाल सजा लें, लेकिन वो आपका नहीं है, एक दिन वो उसी का हो जाएगा जिसका वो। आई बात समझ में? कुछ रिश्ते भी ऐसे ही होते हैं, उसको कितनाओं सजा लो वो एक दिन छोड़ के चले जाते हैं। किसकी तरफ? रूम रेंट की तरफ। जैसे हम रूम का किराया देते हैं, कितनाओं सजा ले धजा ले वो एक दिन छोड़ना पड़ता है, वैसे कुछ रिश्ते भी होते हैं जिसको हमें क्या करना होता है, छोड़ना होता है। नालायक तुम लोगों के लिए जो कमेंट मारता है ना ये कि सर बहुत मेहनत कर रहे हैं, देखिए कब सफलता मिलती है। ये वही मेहनत है तुम लोगों वाली, जितना तुम लोग 70 चक्कर मोहल्ले में लगाते हो, एक दिन नहीं लगेगा 7 फेरा हम कहीं और चले जाए। अगर आप लोग मेहनत करेंगे ना, जो 70 चक्कर उधर लगाते हैं, वो अगर आप लोग 70 चक्कर अपनी किताब में लगाएंगे, खोलेंगे बंद करेंगे खोलेंगे बदले, और जिस दिन कर लोगे तो फिर वो भी एक बार के लिए सोचेगी नहीं वो तो कुछ करियर आया है, और जब नहीं करोगे तो कहेगी नहीं पापा मम्मी वाला ठीक है, तो फिर सिखा रहे हैं गदा। समझ रहे हो ना? यहाँ पे सब खेल किसका है? हाँ जी विधायक, सब खेल यहाँ किसका है? ऐसे नॉमिनल यही होता है वो, इसको कहते हैं ना नाम मात्र। इसमें एक्सपेंसेस, लॉसेस और प्रॉफिट और गेन्स, ये वो इनको कहते हैं ना, इनकम भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ये खाते स्टोर होते हैं यहाँ पे, ये बताएंगे। अब एंट्री में लिखा हूं परचेज गुड्स ₹500। परचेज मतलब खरीदना, गुड्स मतलब सामान। ये कितने खरीद रहा हूं? 500 का खरीद। ये किस अकाउंट पे है? किस पे है? रियल पे कि पर्सनल पे? पर्सनल रियल दोनों पे जाएगा। अगर कैश भी आता है ना तो किस में आता है? पर्सनल में। केवल संपत्ति किस में आती है? ऐसा कोई ट्रांजेक्शन नहीं होता है जिसमें हम कैश का लेन देन नहीं करते हो। पर्सनल की एंट्रियां बहुत ज्यादा बनती हैं। अब अगर हम यहाँ पे देखेंगे परचेज गुड्स ₹500 हम खरीद रहे हैं, लेकिन ये भी नाम नहीं कि मैं किससे खरीद रहा हूं, पता नहीं मैं खंचुस खरीद रहा हूँ कि मखंचुस खरीद, नाम है इसमें नहीं नाम है। जब किसी एंट्री में नाम नहीं होता है तो उसको मान लेते हैं कि उस तरह का लेन देन नगद लेन देन है। कैसा लेन देन? जैसे आप किसी दुकान पे गए जाए और 10 रुपए का क्या लेके आइए? कोलगेट। ये वो कोलगेट मतलब समझते हो ना, दांत साफ करने वाला कोलगेट लेके आए। कौन सा? नजदीकियां कम करने वाला, प्रचार नहीं आता उसका क्या नाम है? क्लोजअप। नाम ही ऐसा ऐसा रख दिया, क्लोजअप आ गया उसका। कौन सा? मैक्स। दांतों की दुर्गंध दूर भगाए हाँ? और एक दूसरे के करीबी बढ़ाए, ये कौन प्रचार करता है? क्लोजअप वाला। वो यहाँ पे ये जो क्लोजअप प्रचार कर, आप किसी दुकान पे जाइए और कह दीजिए सर आप दे दीजिए उधार, रहेगा क्या? रहेगा उधार।
अगर आपको पहचान रहा है तो ठीक है, आपका नाम लिख लेगा, और नहीं पहचान रहा तो कहेगा धड़ाक दे इसके घर से आप हैं, आप बताएंगे ना पहचान है। और क्यों नाम बताओ, पूरे जैसे लगे पूरा खानदानिया का नाम पूछ रहे 10 रुपए, क्योंकि वो क्या करेगा रजिस्टर पर लिखेगा, और आप पैसा दिए हो तो रजिस्टर पर लिखेगा। आप कहीं से गए हो, किसी के घर के हो, कुछ करते हो उससे मतलब नहीं, किसके लिए बैठा था वो, पैसा के लिए, पैसा मिल गया सामान दे दिया बात करो, अपने घर आप लेकिन उधार लेंगे तो पूरा रिश्ता चलेगा, रिश्ता कायम करना है तो उधार लो, क्या लो। यहाँ पे यार मिट नहीं रहा इससे, आ रही मेरी बात समझ में। तो हम लोग जब एंट्री बनाएंगे ना तो पहला क्या दिया यहाँ पे, परचेस। अब इसके भी मैं रूल बताया था, रूल बताया था इसमें कि डेबिट द रिसीवर और क्रेडिट द रिसीवर। ये पाने वाला डेबिट और देने वाला क्रेडिट, और इसमें मैं आपको बताया था रियल वाले में आल असिस्ट कम इन और आल असिस्ट गोज आउट, ये वो आने वाली संपत्ति डेबिट और जाने वाली क्रेडिट, आने वाला डेबिट और जाने वाला। इसमें मैं बताया था आल एक्सपेंस एंड लॉस डेबिट, आल प्रॉफिट एंड गेन्स, 21 तरीके से डेबिट क्रेडिट हो गया था, ये पूरा बता दिया था आपको। बस अभी मैं इस एंट्री को सॉल्व करता हूँ क्योंकि कम समय हम लोगों के पास, इस एंट्री को सॉल्व करेंगे फिर आगे बढ़ेंगे। तो हम परचेज कर रहे हैं ना, तो डेबिट हमें क्या हो रहा है, परचेज। अब परचेज में कौन सी सामान है, नाम है, अगर नाम होता तो हम लोग परचेज ना लिख के उस वस्तु का क्या लिखते हैं, नाम। जब नाम नहीं है ना तो हम अपने वर्ब को दर्शाते हैं, इसको दर्शाते हैं वर्ब, वर्ब मतलब क्रिया, क्रिया किसको कहते हैं, जो कार्य हो रहा है उसको क्या कहते हैं, जैसे वह नहा रहा है, वह नहा रहा है, क्रिया क्या है, नहाना, वह गाली दे रहा था, क्रिया क्या है इसमें, गाली देना, है कि नहीं, वह चापलूसी कर रहा था सर की, क्या है, चापलूसी करना, चापलूसी समझते हो ना सर, आप बहुत अच्छे हैं, बहुत बेहतर पढ़ाते हैं सर, काम निकल जाए तो हा? मैं तो पहचान ही नहीं रहा सर, सर को, सर कौन है, विवेक सर कैसे दिखते हैं जी, विवेक सर को मैं देखा ही नहीं हूँ आज तक, अच्छा हाउ जो टैलिया पढ़ाते हैं क्या, तब ऐसे बात की जाए, सही कि नहीं। यहाँ पे क्या भाई, परचेस, इसके आगे आप लगाएंगे क्या, अकाउंट डीआर, डेबिट में क्या 500, और हम लोग यहाँ पे जब परचेज करेंगे तो बदले में कुछ देंगे ना, बात किसकी आपकी जा रही है, कैश की ना, तो जो चीज हम दे रहे होते हैं वो चीज क्या होता है, क्रेडिट, जो मुझे रिसीव होगा वो डेबिट और जो मैं दूंगा वो क्या, क्रेडिट। तो मैं क्या खरीदने खरीदने गया हूँ, जो भी खरीदा वो मुझे रिसीव हुआ है, नाम नहीं है, इसलिए हम लोग केवल किसको यहाँ पे दिखाए हैं, परचेज को, और यहाँ पे क्या लिखा जाएगा, टू कैश, क्रेडिट कितना 500, आई मेरी बात समझ में। ऐसे मेरा दूसरा है सोल्ड गुड्स रुपीज 900। अब मैं सोल्ड कर रहा हूँ, सोल्ड मतलब बेचना, सेल्स का थर्ड फॉर्म सोल्ड, बेच रहा हूँ, क्या बेच रहा हूँ, कोई सामान बेच रहा हूँ, सामान का नाम नहीं है। जब सामान का नाम नहीं होता तो हम बार बार कह रहे अपनी क्रिया को दर्शाएंगे, अगर मान लो हम सामान का नाम लिख दिए, ये क्या नाम लिख दिया यहाँ पे, स्टैंड का नाम लिख दिए, इसको क्या बोलते हैं, जिस पे कैमरा वगैरह लग जाए, ए हम इसका नाम लिख दिए ट्राइपॉड, पता नहीं हो सकता है कि ये ना लेकर के वो लेके क्या गया हो, टेबल, उसको ना ले जा क्या ले गया हो, टेबल, मान लो हम टेबल का नाम लिख दिए, हो सकता है कि वो टेबल ना लेके गया हो, क्या लेके गया हो यहाँ पे, बैग, क्या लेके गया हो, बैग। तो हम इसको कैसे दिखाएंगे, इसको हम कैसे दिखाएंगे, इसलिए ये चीज नहीं लिखेंगे
हाँ सर यही ले गया, कंफर्म नहीं है ना। जब तक कंफर्म नहीं होता है तब तक हम लोग अपने वर्ब को दर्शाते। किसको दर्शाते? वर्ब को। पता चले कि मैं बैग दिखा दिया हूं और कल आके कह दे सर मैं बैग ले ही नहीं गया हूं, मैं तो टेबल ले गया था, दिक्कत होगी ना। और नहीं कंफर्म है तो हम लोग गुड्स जब कंफर्म नहीं होता तो अपने वर्ब को दर्शा देते हैं। मैं बेच रहा हूं तो मुझे रिसीव हो रहा है, क्या रिसीव हो रहा है यहाँ पे? कैश। कैश अकाउंट डीआर कितना भाई? 900। और टू क्या कर रहा हूं मैं? सेल्स। सेल्स में क्या लिख दूंगा? 900 क्रेडिट। हो गया यहाँ पे कमेंट। हम सब बैग को भेज रहे हैं। अरे मैं बैग क्या देती हूँ, सब बैग भेज रहे हैं यहाँ पे। ये इसको थोड़ा छोटा करूं, आगे बढ़ते बाबू। ऐसे कौन सा करेंगे हम लोग? तीसरा वाला। तेरा बॉट फर्नीचर, बॉट मतलब खरीदना, परचेज मतलब खरीदना, लेकिन यहाँ पे नाम है क्या खरीद रहा हूं? फर्नीचर। तो यहाँ पे जो चीज खरीद रहा हूं वही चीज डेबिट। क्या मैं खरीद रहा हूं? फर्नीचर। तो फर्नीचर मुझे रिसीव होगी ना, फर्नीचर अकाउंट डी आर। वो कितने का? 10,000। और टू मैं क्या दे रहा हूं यहाँ पे? कैश क्रेडिट। कितना? 10,000। ऐसे ही चौथा देखूंगा ना तो क्या दे रहा है? सोल्ड फर्नीचर ₹14,000। अब मैं बेच रहा हूं, इसमें भी नाम है इसका फर्नीचर का, तो मैं बेच रहा हूं तो मुझे क्या मिलेगा? कैश। कैश अकाउंट डी आर कितना? 14,000। और यहाँ पे टू फर्नीचर, क्या? फर्नीचर क्रेडिट कितना? 14,000। आई बात समझ में? आगे बढ़ेंगे तो कह रहा पेड वेजेस, हम मजदूरी दे रहे हैं ना, किस चीज पर एक्सपेंस कर रहे हैं? अभी मैंने कहा जिस चीज पर एक्सपेंस करेंगे, जो एक्सपेंस होता है मेरा सामने वाले अकाउंट में ये क्या होता है? डेबिट। और जो मेरा प्रॉफिट होता है वो क्या होता है? क्रेडिट। यानी मेरी इनकम क्या है? क्रेडिट। यहाँ पे पेड वेजेस ₹700, ₹700 क्या दिया? मजदूरी। तुम किस चीज पर एक्सपेंस कर दिए? मजदूरी। मजदूरी यहाँ पे क्या होगा? डेबिट। वेजेज अकाउंट डी आर कितना? 700। और हम क्या दे रहे हैं यहाँ पे? कैश। टू कैश क्रेडिट 700। बना लेंगे जल्दी से, पूरा नोट करिए। अभी ट्रायल बैलेंस बता, लाइव वाले स्क्रीनशॉट ले लो। अब हो गया यार, ठंडी बढ़ गई है। ठंडिया जैसे जैसे बढ़ती मुझे लग रहा है पुरवा पछुआ वो बढ़ती है, प्रतियोग को मार रहा है, उठो उठो एकदम हाथ गोड़न पूरा चिथरा हो जा रहा है। ऐसी कंडीशन में क्या यूज इस्तेमाल करेंगे हम लोग? आप लोगों को एक दिन बताए थे 5 रुपए वाली क्या आती है बाबू? वैसलीन। वैसलीन लगाइए, खुदरापन दूर भगाइए, सही कि नहीं? और क्या लाइए? मॉइस्चर। इसका मतलब नमी। और जब तक नमी रहेगी तब तक हाथ गोड़ नहीं फटेगा, जैसे खत्म हो जाएगा क्या हो जाएगा? आप लोगों को हम बताया था ना वो क्या फटती है लोगों की? एड़ी। पैर में यहाँ पे होता है, इसको क्या बोलते हैं बाबू? यहाँ पे एड़ी। इसमें कितने लोग बाबू यही लगाते हैं? क्या भरते हैं? वैसलीन। क्यों लिख लिए? भगा दूं? आओ मिटाते हैं, ये रहने दे रहे हैं बाबू यहाँ, इधर वाला हटाते हैं।
क्या निकालना है मुझे? ट्रायल बैलेंस ना। देखो ट्रायल बैलेंस एक बार मैं ऐसे निकाल दे रहा हूं, इसी चीज को हम लोग क्या निकालेंगे कंप्यूटर में, ट्रायल बैलेंस। कल ट्रायल बैलेंस के बारे में आप लोगों को हम बताए थे, ट्रायल बैलेंस क्या होता है बताए थे ना। देख भाई इधर आएंगे, लिखेंगे साथ बताया तो थे इसमें जी, निकालना पर्टिकुलर, और इधर आके लिखेंगे क्या कमा डेबिट, और इधर आके क्या क्रेडिट अमाउंट और अमाउंट। पहला इसका बनाने जा रहे हैं परचेज का, तो इसमें क्या लिखा जाएगा हम लोग परचेज। तो परचेज में हम देखेंगे डेबिट कहां कहां है अमाउंट, तो परचेज में कितना है 500, और कहीं परचेज है तो यहां पे कितना लिखेंगे 500। क्रेडिट में कहीं है तो कितना आ जाएगा यहां पे क्रेडिट में 0। अब आप लोगों को कुछ मैं रूल लिखाया हूँ, जो बड़ा वाला होता है छोटे वाले से क्या करते हैं घटा देते हैं, और जो अमाउंट आएगा वो छोटे वाले की तरफ लिख लेंगे, लिखने के बाद उसे अंडरलाइन या सर्कल में कर लेंगे। तो 500 में 0 को घटाएंगे कितना आएगा, छोटा 500 की 0, लिखना किधर है छोटे वाले की तरफ, छोटा ही तो इधर ही लिखेंगे, इसको क्या कर लेंगे अंडरलाइन या सर्कल। आगे बढ़ेंगे, अब ऐसे ही हम लोग किसका बनाएंगे यहाँ पे कैश का, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे कैश। तो डेबिट में कैश कितना है देखिए, क्रेडिट में आया तो पहले क्रेडिट साइड का चेक, क्यों 500 यहाँ पर 900 है लेकिन किसमें डेबिट में नहीं लिखेंगे, यहाँ पे 10,000 क्यों 10,500 के 10,000 ही 500 ही कितना लाख हो गया 10,500, 700 यहाँ पे सर कितना हो गया 11,200, तो आप यहाँ पे लिखेंगे 11 डेबिट में देखिए तो 900 यहाँ पे 14,000 यहाँ पे 14,900 टोटल यहाँ पे कितना हो गया 14,900 बढ़ाए कि 11,200 14,900 में से 11,200 को घटाएंगे कितना आएगा ना आएगा 3,700 कंफर्म है ना, देख लो एक बार फिर ना आएगा 3,700 जोड़ के देख लो, नहीं पता हो तो इतने इसके बराबर होना चाहिए, तो 0,0 जोड़ देंगे 0,0 7,2,9,3,1,4,1,1 हो गया, तो 3,700। ये पंडित जी आज खाने जाना है जी, इसके बाद फर्नीचर कैश हो गया, अब इसके बाद कहां पे सेल्स, क्या सेल्स, सेल्स वाले में डेबिट देखिए कहां है, नहीं है ना सेल्स वाले में डेबिट नहीं है ना, ये वो यहाँ पे क्या आ जाएगा 0। क्रेडिट देखिए सेल्स वाले में 900 और कहीं है नहीं है, तो इधर कितना आएगा 900। अब आप इसमें से घटाएंगे कितना आएगा 900 ही आएगा, 900 इधर लिख के क्या कर लेंगे लाइट। इसके बाद आएंगे आप किसका बनाएंगे यहाँ पे फर्नीचर का, क्या लिखेंगे फर्नीचर, देखो डेबिट में कितना है यहाँ पे 10,000, देखो क्रेडिट में फर्नीचर है कहीं कितना है, तो यार ना है 14,000। क्या विधायक तू भी गलत कराने पर तुटा रहता है, खाऊ नहीं खा के आता है ना, चल 14,000 में से भाई 10,000 घटाएंगे कितना आ जाएगा भाइयों 4,000, इसको यहाँ पे 4,000। अब आगे बढ़ेंगे ऐसे ही, फर्नीचर हो गया कैश हो गया कैश फर्नीचर, बच क्या गया मजदूरी। एक चीज यार देखो कैश में गलत हुआ है क्या कुछ,
कुछ गलत नहीं हुआ कैश में, जोड़ा हूं वेजेस। चलिए ठीक है, यहां पे आएंगे भाई, इसका लिखेंगे वेजेस। वेजेस का डेबिट में कितना है भाई? 700, क्रेडिट में 0। अब 700 में 0 को घटाएंगे कितना आएगा? 700। इसको क्या करेंगे, हो गया। अब जितना अंडरलाइन किए हैं, क्रेडिट वाला जोड़ के क्रेडिट की तरफ, डेबिट वाला जोड़ के डेबिट की तरफ, ये लिखना है ना, ठीक है। ये वो 37,500 कितना आएगा? 4200 और 700 ए कितना आ गया? 4250 कितना आ गया? 50। ये वो इसका कितना आएगा टोटल, देखिए। ये वो 4000 ए 900 ए कितना आ गया? 49 दोनों तरफ बराबर आया है, डेबिट वाला भी 49 और क्रेडिट वाला भी 49। ट्रायल बैलेंस सही, अगर कम ज्यादा आता तो क्या होता? अब एक टैली में पास करके भी हम लोग देखेंगे। जल्दी से आप लोग नोट कर लीजिए और लाइव वाले भाई शॉट ले लें, मैं किनारे हट जाऊं। हो गया भाइयों, आज के लिए रहने दो। इसी को ना कल कंप्यूटर पे बताते हैं किस तरीके से कंप्यूटर में इसको पास करेंगे तो कितना आएगा? 49, ठीक है। फिर आगे बढ़ेंगे, फिर जहां से पढ़ा रहे थे वहां से पढ़ाना शुरू करेंगे। क्या पढ़ा रहे थे? बैचेस, बैचेस पढ़ा दियो, इसके आगे वाला कभी कल।